हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक सैनी और आज हम करते हैं ऑन न्यूमेरिकल्स। कल हमने बात की थी कि कुछ जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो जेई में और जेई के क्वेश्चंस नीट में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं और क्वेश्चंस की कि नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लास्ट ईयर। आज हम करेंगे नीट के कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन नीट के करने वाले हैं और दो तीन क्वेश्चन आपके जेई मेन 2019 के करने वाले हैं, जो सेम कंसेप्ट पे आए हैं जो आपके क्वेश्चन नेट या AIPMT में पूछे गए थे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। मतलब कहने का क्या है कि जो देखो मास एफ वी और टी को फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मान लें तो जो मास पर किस तरह से वो डिपेंड करती है, फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा कौन डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। देखिएगा इसको दो तरीके से करके देखेंगे क्वेश्चन को, किस टाइप से पूछे जाते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम। तो एफ क्या है, फोर्स है, वी वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है। तो फोर्स आपको पता है इस तरह लिखना था, पहला स्टेप। दूसरा क्या, इनकी पावर लगा दीजिए, कोई भी कॉन्स्टेंट एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आपको ठीक लगे, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। देखेंगे ये 19 में कैसे पूछा गया है IIT में। तो अब इनकी डायमेंशंस, इनकी डायमेंशंस आपको पता है ये क्या है, मास। मास की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, सॉरी मास की डायमेंशन क्या होती है, एम। ये क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, ए। वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। पावर कितनी है, बी। टी क्या है, टाइम। टाइम की डायमेंशन टी। पावर कितनी है, सी। इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखिए यहाँ पर एम एल टी है, तो यहाँ पर एम है, एल टी और लगा दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, ये एम की पावर कितनी, वन। एल टी नहीं है तो एल की पावर कितनी, जीरो। टी की पावर कितनी, जीरो। इसको हम ये लिख सकते हैं। इसी तरह जो पावर है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर ए, टी माइनस टू। ठीक है, टू ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी और टी की पावर सी। इसको एम एल टी की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा एम वन एल जीरो टी जीरो। देखिएगा यहां पर एम कितना है, एक ही है, तो एम की पावर ए। एल कितनी बार आया, एक एल ये है, एक एल ये आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए प्लस बी डॉट। टी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो टी माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। एम एल टी में कन्वर्ट कर लिया, करना क्या है, कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन करोगे एम की पावर कितनी है, ए। यहां पर एम की पावर कितनी है, वन, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, एम की, वो पावर्स की, ए बी सी जो कॉन्स्टेंट माने थे इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए प्लस बी, एल की पावर कितनी है, ए प्लस बी। यहां पर एल की पावर कितनी है, जीरो। आपने ए की वैल्यू फाइंड कर ली, वन। ए की वैल्यू वन यहां पर पुट करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो आप कह सकते हो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। ठीक है, टी की पावर कितनी है, माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए और बी की वैल्यूज रख दीजिए, ए की वैल्यू रखोगे माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस बी और बी की वैल्यू कितने, माइनस वन ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। माइनस टू प्लस वन माइनस वन और इधर जाके क्या हो जाएगा, ये क्या माइनस वन था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन। तो सी इक्वल टू कितना आ जाता है, वन। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। ए बी सी की वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, यानी मास एम इक्वल टू एफ की पावर ए, ए की वैल्यू कितनी है, वन है। बी, बी की पावर कितनी है, माइनस वन, यानी वी की पावर माइनस वन। टी की पावर सी, यानी टी कितना है, वन है। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही होगा।
ठीक है। कुछ बच्चों का कहना होगा, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हो इसको, दो लाइन का क्वेश्चन नहीं होगा, आपकी बुक्स में वो सॉल्यूशन गिवन होगा। बट देखिएगा डायरेक्ट कैसे कह रहे हैं, आपको पता है एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू एम इन टू ए, बट जो किसमें आपको चाहिए, वी भी चाहिए और टी भी चाहिए, वेलोसिटी और टाइम चाहिए, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू हो जाता है ये मास है एम, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे लिख सकते हो इसको, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ से मास की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा एफ टी अपॉन वी नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ वी ऊपर जाएगा माइनस वन और टी प्लस वन रहेगा ही। तो देखिएगा हम इसको कर सकते हैं वन टी टी वन और वी माइनस वन, बिल्कुल सेम आंसर आया है। देखिएगा मैं इसके फेवर में क्यों नहीं हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कर सकते हो ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस मेथड से करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं गलती होने के चांसेस, देखो ये तो आपको पता था फॉर्मूला बहुत सिंपल था, एफ इक्वल टू एम में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रिलेशन ही नहीं पता, तब आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एनर्जी ई वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ए आई पी एम टी 2015 में, ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया। देखो दो हमने जो 2014 में किया है वही क्वेश्चन आपका 15 का भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये कहता है सरफेस टेंशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पर, और आपका किस पर, वेलोसिटी पर, और किसका किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, आप अगर इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लेते हो, यानी ई वी ओ एन टी। देखिएगा इनके ऑप्शन चेक कीजिए, क्या आपको रिलेशन पता है सरफेस टेंशन में और एनर्जी में और वेलोसिटी और टाइम में। देखिएगा हो सकता है किसी को पता हो, लेकिन सबको पता हो इतना सिंपल फॉर्मूला ये नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए जैसे हमने अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इसकी पावर ए मान लीजिए, इसकी पावर बी मान लीजिए, इसकी पावर सी। एस क्या है, सरफेस टेंशन है, इसको सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हो। तो वही मेथड, पावर्स हमने लगा दी। दूसरा क्या है, इनकी डायमेंशंस, इनकी डायमेंशंस लिखिएगा। अब आपको पता है सरफेस टेंशन की डायमेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपको रटनी नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है एम एल टी माइनस टू डायमेंशन और अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाता है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ जाएगी आपकी एम टी माइनस टू। ओके तो इसकी डायमेंशन लिख लीजिए, ये होता है एम और टी माइनस टू। ई क्या है, एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन देखिए कोई से भी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, एनर्जी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकती है। तो और वर्क भी आपकी क्या, एनर्जी वर्क की डायमेंशन जो होती है वही एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी। वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है एम एल टी माइनस टू, जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे यानी एल से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी डायमेंशन जो होगी एनर्जी की वो हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है तो इसकी पावर कितनी है ए, ये क्या है वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इसकी पावर कितनी है बी, और ये क्या है आपकी टी, टी की पावर कितनी है सी, टाइम तो टाइम ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो एम एल टी यहाँ पर एल नहीं है, एल लगा सकते हो, और एम की पावर कितनी हो जाएगी वन, एल जीरो टी माइनस टू इक्वल टू एम की पावर ए एल स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा टू ए और माइनस टू ए, एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो टी की पावर सी। एम एल टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको, ये हो गया एम वन एल ज़ीरो टी माइनस टू इक्वल टू एम यहाँ पर भी है और एम नहीं है तो एम की पावर ए, एल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, बेस सेम पावर ऐड, तो एल की पावर टू ए प्लस बी, टी यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो टी माइनस टू ए माइनस बी माइन प्लस सी। ठीक है
अब कंपैरिजन कर दीजिए इनका, m की पावर कितनी है, a m की पावर कितनी है 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, a की वैल्यू तो फाइंड हो गई। l की पावर कितनी है 2a प्लस बी, और l की पावर यहाँ कितनी है 0, तो a की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, b इधर जाएगा तो ये 2 इधर जाएगा, तो ये b की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस 2, ठीक है। c की वैल्यू थर्ड भी देख लीजिए, t की पावर कितनी है माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, ये कितना माइनस 2, वैल्यू पुट कर दीजिए a और b की इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे, देखिएगा a की वैल्यू 1 तो माइनस 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, प्लस c इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई माइनस 2। इसकी वैल्यू यहां पुट कीजिए तो सरफेस टेंशन E इक्वल S इक्वल टू E की पावर A, A की वैल्यू कितनी है 1, E की पावर 1, V की पावर B, B की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो V की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 2, और T की पावर कितनी हो C, C की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस 2, तो T की पावर भी कितनी हो गई माइनस 2, ये आपका क्या हो जाता है आंसर आ गया। तो स्टूडेंट जेई 2019 का क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया है इसी कंसेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है इन सरफेस टेंशन एस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड प्लैंक कांस्टेंट एच व्हाट टू बी टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम वुड बी। यानी जेई 2019 का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कौन से शिफ्ट में आया था। तो ये कहता है जो मोमेंटम है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो सरफेस टेंशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है, और एच प्लैंक कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो वो कहता है आपको क्वेश्चन की डायमेंशन बतानी है, तो करना क्या है, वही इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, ठीक है, देखिएगा मोमेंटम। अब दूसरे स्टेप क्या था हमारा, डायमेंशंस लिखने का, डायमेंशन लिखिए, बताइएगा मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, याद करो क्या बताया था, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम को क्या लिखते हो एम, ठीक है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, यानी एम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होती है एल टी माइनस वन इक्वल टू सरफेस टेंशन, अभी बताया सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स जो होता है पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसको सरफेस टेंशन कहा जाता है, सरफेस टेंशन यानी फोर्स की डायमेंशन क्या होगी एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका एम टी माइनस टू, पावर कितनी है ए। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया की, देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता क्या है, आप फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने एम के स्क्वायर, वॉट इज के, के इज अ रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस है, और m क्या है मास है, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा l, क्योंकि लेंथ है तो l इसकी डायमेंशन, और ये आपका स्क्वायर, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये डायमेंशन आती है आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की m l स्क्वायर, और पावर कितनी है इसकी b। तीसरा क्या है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला E इक्वल टू एच इंटू न्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो E इक्वल टू एच इंटू न्यू, व्हाट इज ई, इज अ एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, एच क्या होता है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी अपॉन न्यू, और आपको अभी बताया कि एनर्जी क्या होता है वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होगी फोर्स, यानी फोर्स क्या एम एल टी माइनस टू, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे लेंथ से तो ये स्क्वायर हो जाता है, ये तो हो गई एनर्जी की, अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी टी इनवर्स, ये किसकी डायमेंशन आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी की, और ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो गया एम एल टू, ऊपर जाएगी तो प्लस माइनस टू प्लस वन माइनस वन टी माइनस वन, ये किसकी डायमेंशन आती है
प्लैंक कांस्टेंट की देखिएगा, ये दिए डायमेंशन आपकी डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई एम एल टू टी माइनस वन। आपको बताया था जितने भी ये कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करना क्या है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, एम की पावर वन, एल की पावर वन, टी माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एम की पावर ए, टी की पावर माइनस टू ए, एम की पावर बी, एल की पावर टू बी, एम की पावर सी, टी टू सी, एल टू सी और टी माइनस सी। इसको एम एल टी में कन्वर्ट करो, ये है आपका एम वन एल माइनस एल वन टी माइनस वन इक्वल टू एम, यहां भी है यहां भी है यहां भी है, तो यानी एम की बेस सेम है, पावर एड ए प्लस इसकी पावर बी, इसकी पावर आपकी सी, ठीक है। एल कहां है, यहां पर है और यहां पर है, तो एल की पावर हो जाएगी टू बी प्लस टू सी, और ये टी और ये टी, और भी टी है कहीं नहीं है, तो टी इक्वल टू माइनस टू ए माइनस सी। एम एल टी में कन्वर्ट कर लिया, करना क्या है आगे, कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करोगे तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, एम की पावर जो है यहां पर कितनी है, वन है, तो वन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाता है टू बी प्लस टू सी इक्वल टू वन, इक्वेशन आपकी दो। टी क्या है, माइनस टू ए माइनस सी इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन थ्री। करना क्या है, एबीसी की वैल्यू रखिएगा, निकालिए, फाइंड करिएगा और यहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बायो वालों फिर मैं कहता हूं मैथ थोड़ी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। देखो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको, करना कैसे है, ठीक है। आपने मैथ में अच्छी तरह नाइन्थ टेंथ क्लास में एट्थ क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिएगा तीन अननोन क्वांटिटी है, तीन इक्वेशन आपको दी है, ए बी सी, और ये बी सी है और ये आपका ए माइनस बी। देखिएगा अब आप करोगे क्या, यहां से इस इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूं, यहां से टू कॉमन ले लीजिए और बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितनी आ जाएगी, वन बाय टू। बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाय टू, टू कॉमन लिया तो टू इसके नीचे आ जाएगा। अब b प्लस सी की वैल्यू यहां रख दीजिए, b प्लस सी की वैल्यू यहां रखोगे तब तो ये b प्लस सी की वैल्यू जाएगी a, b प्लस सी की वैल्यू पुट करोगे वन बाय टू इक्वल टू वन, तो a की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी। a की वैल्यू क्या होगी, हाफ इधर जाके माइनस हो जाएगा, वन में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई, हाफ आ गई। B और C की वैल्यू कैसे फाइंड करो, देखो A की वैल्यू पता चल गई, A की वैल्यू यहां पुट कीजिए, C की वैल्यू आ जाएगी। जब आप A की वैल्यू यहां पुट करोगे, देखिएगा माइनस टू हाफ पुट करोगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वन माइनस सी और इक्वल टू माइनस वन। ये माइनस वन इधर जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो ये सी इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, माइनस सी माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से c इक्वल टू हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई जीरो। अब a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, जब c की वैल्यू यहां रखोगे तो ये b प्लस सी यानी b की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, जीरो रखोगे तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, वन बाय टू। तो फॉर्मूला क्या बनता है, मोमेंटम इक्वल टू s की पावर a, यानी s की पावर a, a की वैल्यू कितनी है, हाफ। I की पावर b, b की वैल्यू कितनी है, हाफ। c की पावर कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो s की पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन को आप फॉर्मूले याद नहीं करके रख सकते कि हाँ जो भी क्वेश्चन आएगा आप फॉर्मूले से कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक और इसी टाइप का जेई 2019 में ही पूछा गया था, ठीक है। ये 11 अप्रैल को पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्या कहता है, कहता है इफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f आर कंसीडर एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। तो यानी वह यंग मॉडुलस किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है स्पीड पर, फोर्स एक्सेलरेशन पर और फोर्स पर।
डिपेंड कर रहा है और आपको द डायमेंशन बतानी है। तो देखिएगा फिर दोबारा, कंसेप्ट सारे वही है, करिएगा खुद से ट्राई वीडियो को पॉज करके। तो वी की पावर ए, वी की ए की पावर बी और एफ की पावर सी, ठीक है। बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको खाली डायमेंशंस का पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, मेथड सबके सेम है। देखिएगा फटाफट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो डायमेंशन लिखनी है, अब फोर्स की, एक्सेलरेशन की और स्पीड की डायमेंशन तो आपको पता है, बात आती है यंग मॉडुलस की। यंग मॉडुलस क्या होता है, आपने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो वाई जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस देखिएगा लिख के बता देते, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट नहीं होती तो डायमेंशन भी नहीं होती। तो फोर्स अपॉन एरिया यानी जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन आपकी वाई की भी होगी, यानी यंग मॉडुलस की होती है। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एम टी माइनस टू, एल भी तो है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ओके। ये डायमेंशन किसकी आ गई, आपकी वाई की डायमेंशन आ जाती है। तो वाई की डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन की पावर ए, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू की पावर बी, फोर्स एम एल टी माइनस टू की पावर सी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इक्वल टू एल की पावर ए, टी की पावर माइनस ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस टू बी, एम की पावर सी, एल की पावर सी, टी की पावर माइनस टू सी। एम एल टी में कन्वर्ट कर लो, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये क्या होगा, L की पावर A, देखो M है, M एक ही है तो M की पावर C हो गया, ठीक है। L यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीन L है, L की पावर A प्लस B प्लस C, ठीक है। T की पावर, T यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, माइनस A माइनस टू B माइनस टू C, ठीक है। कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन करोगे तो सी, एम की पावर सी है, एम की पावर वन है तो सी इक्वल टू वन, ये तो डायरेक्ट ही आ गया वैल्यू आपकी, ठीक है। सेकंड कंपैरिजन करो, ये है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, कोई नहीं आगे चलते हैं। थर्ड कंपैरिजन करो, इससे किसी की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, टी की वैल्यू यानी क्या है, माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी इक्वल टू क्या है, माइनस टू। देखिएगा अगर हम सी की वैल्यू यहां भी पुट कर दें और सी की वैल्यू यहां भी पुट कर दें तो ए प्लस बी में एक इक्वेशन, ए प्लस बी में दूसरी इक्वेशन आई और दोनों को सॉल्व करके ए और ये ए और बी की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, क्योंकि हम इन इक्वेशन से डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां सी की वैल्यू पुट कीजिए वन, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी, जब वन पुट करोगे ये वन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन ये हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जब यहां पर पुट करोगे तो माइनस ए माइनस टू बी और ये माइनस टू सी, सी की वैल्यू वन पुट करोगे तो माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस टू प्लस टू जीरो, इक्वेशन टू। करना क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, माइनस ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा a से a कैंसिल हो गया और ये माइनस टू बी प्लस बी, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, टू। b की वैल्यू टू आ जाती है, b की वैल्यू पुट कीजिए कौन से इक्वेशन में, इसमें पुट कर लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। जब इसमें b की वैल्यू पुट करोगे तो देखिएगा टू ये है, इधर जाएगा तो माइनस टू, माइनस टू ऑलरेडी है, माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर। यहां पर वैल्यू पुट कीजिएगा
इस इक्वेशन में पुट कर लो, y इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी आई है -4, यानी v -4, a की पावर कितनी है b की वैल्यू कितनी है 2, तो a2, और f की पावर कितनी है c की वैल्यू ये है तो f1। देख लीजिएगा आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो गाइज एक क्वेश्चन और है जो कि आपका जेई 2019 में पूछा गया था, देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि x इक्वल टू 5y इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। आपको दिया हुआ है x जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस है, और जो z है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे बोलता है कि y की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन क्या है, y की डायमेंशन फाइंड करनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो y की डायमेंशन, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 5z स्क्वायर। आपको पता है 5 क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब आपको करना क्या है, ये क्या है, कैपेसिटेंस है, और नीचे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए, इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए, आंसर वो डायमेंशन को यहाँ पर पुट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा डायमेंशन, कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले तो आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशन फाइंड करनी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये होता है क्यू अपॉन वी, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V और Q अपॉन V, हाँ ठीक है। हमने कल बात की थी जो Q का जो वो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, A इंटू टी, आपको बता दिया था कल कैसे आया था ये, ठीक है। Q की जो डायमेंशन होती है A इंटू टी होती है Q अपॉन V। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए तभी आप कैपेसिटेंस की डायमेंशन को फाइंड कर सकते हो। तो करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला याद है, हाँ बिल्कुल याद है। वो जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम ये आती है, देखिएगा दो तरीके हैं, या तो इसकी अलग डायमेंशन निकाल लीजिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, या आप डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। तो ये देखो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, जब वैल्यू पुट करोगे तो ये होता है क्यू अपॉन V की वैल्यू, W अपॉन Q पुट करोगे, Q ऊपर जाएगा तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, और V, ये V की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर W आ जाएगा, ठीक है। और ये पता है आपको AT है, यानी जब इसका स्क्वायर करोगे A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। अभी वर्क डन आपको बताया था, फोर्स क्या होता है, MLT-2, जब L से मल्टीप्लाई करोगे तो एक L और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई, C यानी M ऊपर जाएगा तो M-1, L स्क्वायर है जब ऊपर जाएगा तो L-2, T-2 है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो T4, और A स्क्वायर, ठीक है। ये कैपेसिटेंस की आ गई, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कैपेसिटेंस क्या है, X है, यानी X की डायमेंशन आपको पता चल गई, X की डायमेंशन पता चल गई। फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है होता है, आपको कल भी बात की थी हमने, F इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। यहां से B की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, B इक्वल टू हो जाएगा क्या, F अपॉन क्यू इंटू वी। वॉट इज F, F इज अ फोर्स, चार्ज और वेलोसिटी, ठीक है। तो B की डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है MLT-2, चार्ज की डायमेंशन होती है A इंटू टी, वी की डायमेंशन क्या होती है LT-1। देखिएगा यहां से T-1 है और ये T+1 है तो कैंसिल हो गया यहां से, और ये L है, ये भी L है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो B की डायमेंशन क्या आ जाएगी, MT-2 अपॉन A है, ये ऊपर जाएगा तो ये A-1 हो जाएगा। तो ये किसकी डायमेंशन आई, मैग्नेटिक फील्ड की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहां पर इन दोनों की डायमेंशन को पुट कर दीजिएगा। जब यहां पर इसके सब्स्टिट्यूट करोगे इसकी वैल्यूज को, तो y इक्वल टू x, x कितना है m-1 l-2 t4 a2,
अपॉन जेड, यानी जेड की वैल्यू कितनी है एम टी माइनस टू ए माइनस वन, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर फोर ए स्क्वायर अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर टी माइनस टू था, टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर हो जाएगा ए माइनस टू। देखिएगा एम माइनस वन और नीचे कितना है प्लस टू, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू और माइनस वन, ये हो जाएगा एम माइनस थ्री, टी की पावर माइनस फोर एल, ये माइनस टू है, टी की पावर कितने माइनस फोर है, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस फोर, तो टी की पावर आपकी एट हो जाएगी प्लस, ये क्या है ए की पावर माइनस टू है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस टू, ए की पावर आपकी प्लस टू, प्लस टू फोर पावर हो जाएगी। तो ये यंग मॉडुलस की डायमेंशन आ जाती है। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, करते रहिएगा, एक दो क्वेश्चन और स्क्रीन पर आएगा उसको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन आपका नीट में भी पूछा गया है और एक क्वेश्चन जेईई मेंस का भी है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू गाइस।